हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको भी अपने मित्रा से पेंशन सत्यापन करने के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आपने अपने डिवाइस को ठीक तरीके से कनेक्ट करा रखा है और उसके आरडी सर्विस भी ठीक तरीके से कर रखी है, लेकिन उसके बाद में भी कुछ इस प्रकार का एरर शो होता है जिसमें डिवाइसेज नॉट कनेक्टेड और ड्राइवर नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड, कुछ इस तरीके की एरर आपको देखने को मिलती है। तो इसका समाधान हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में SSO ID ओपन करेंगे और इसके बाद में हमारा ईमित्र ओपन करना है। देन इसमें यूटिलिटी में जाना है और इसके बाद में हमको अवेलेबल सर्विस में SSP टाइप करना है। यहाँ से हम पेंशन वार्षिक सत्यापन के पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर एक बार ठीक तरीके से देख लेना है कि जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो वही यहाँ पर RD सर्विस आपको सेलेक्ट करनी है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग होने के बाद में हमारे सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पर यूटिलिटी में जाकर और ईयरली वेरिफिकेशन करना है। इसमें हमको PPO नंबर डालना है और शो पर क्लिक करते ही इस तरीके से हमको यहाँ पर पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमको राइट चेक बॉक्स क्लिक करना है और कैप्चर बायो। तो जैसे ही हम कैप्चर करने के लिए माउस का बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको एरर शो होती है, ड्राइवर नॉट इंस्टॉल्ड और डिवाइसेज नॉट कनेक्टेड, जबकि हमारा ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और डिवाइस भी कनेक्टेड है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमको यहाँ पर इस टैब को मिनिमाइज़ कर देना है और हमको विंडोज़ के साथ में R बटन प्रेस करना है। यहाँ पर हमको सर्विसेज डॉट MSC टाइप करना है या फिर आप डायरेक्ट स्टार्ट बटन पर जाकर भी सर्विसेज टैब ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सर्विसेज टैब ओपन करेंगे तो इसमें हमको M प्रेस करना है। इसमें हमको मंत्रा की सर्विस पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टॉप सर्विस करना है। तो अब ये मंत्रा की सर्विस स्टॉप हो गई है और हमको वापस से मोर्फो RD सर्विस पर जाना है और यहाँ से हमको रीस्टार्ट कर देना है। तो अब मोर्फो RD सर्विस दोबारा से रीस्टार्ट हो रही है। तो इस प्रकार से इसकी RD सर्विस हो गई है। और अब वापस से क्रोम ब्राउज़र में जाकर और कैप्चर के लिए जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी डिवाइस में लाइट ऑन हो जाएगी और हम अब फिंगर लगा सकते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल समाधान है, अब हम इसे वैलिडेट करवा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।